हम अपने सेकंड चैप्टर पे आए हुए हैं और हमने पाप कर लिया था, एक शायद आप तक हम पहुंच गए थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। यस, यहाँ से स्टार्ट करना हमने। टर्न मैप टू, यू विल बी नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, इट्स मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in the present day Kashmir, and in the east and southern India. आप अपने second page के ऊपर चले जाएँ और उस second page को हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, उसको देखने का प्रयत्न करेंगे कि भी वहाँ पर कुछ scares के अंदर आपको क्या है, sites दिखाई गई हैं scare के अंदर। ठीक है, ये देखें neolithical sites जहाँ पर लिखा हुआ आपके लिए, और एक ये यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनुमान लगाया कि यहाँ पर सबसे पहले जो किसान थे, और दूसरे यदि हम बात करें हर्डर्स की बात करें और या फार्मर्स की बात करें, तो उनके एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले भी। हालांकि ये आपको पूरे के पूरे उपमहाद्वीप के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने जो बात की है, हमने मैप के अंदर जो बात की है कि वो एक एग्जाम्पल है, वो हमने देखा भाई। To find out whether these sites were settlements of the farmers and herders, scientists study evidence of the plants and animals' bones. One of the most exciting finds included the remains of the burnt grains. This may be have been burnt accidentally or on a purpose. तो जिस प्रकार से यदि हम बात करें, हम यदि इन साइट्स को देखते हैं, तो ये साइट्स क्या हो सकती हैं, जहाँ पर जो मनुष्य था, सेटलमेंट्स हो सकती है, बस्तियाँ हो सकती हैं, जहाँ पर फार्मर या हर्डर्स रहते थे। साइंटिस्ट ने कुछ एविडेंसेस प्राप्त किए हैं और स्टडी किया है, खासकर वहाँ पर कौन से प्लांट्स थे, या जो एनिमल्स वहाँ पर रखे जाते थे, या तो उनको पालतू बना के रखा जाता था, या आसपास के क्षेत्र में वैसे भी आप कह सकते हैं पालतू भी नहीं हो, जंगली भी हो सकते हैं, तो उनकी एनिमल्स की बोन्स को उन्होंने स्टडी किया। ठीक है, तो उनको जो सबसे जो है अचंभित कर देने वाली जो चीज़ मिली है, वो जले हुए ग्रेन्स देखने को मिले हैं। या तो वो क्या है, किसी दुर्घटनावश वो क्या जल गए हैं, या फिर कोई पर्पज रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने उनको जलाया होगा। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नाउ दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोवन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स। तो उन्होंने पाया है साइंटिस्ट ने कि जो अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स हैं, जिसे आप बात कर सकते हैं कि हमारे लिए अनाज के रूप में हम बात करेंगे, कि भी गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, चावल की हम बात कर सकते हैं, तो अलग अलग ग्रेन्स है वो आपको उनको देखने को मिले। तो ये कह सकते हैं कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स थी वो वहाँ पर उगाई जाती थी पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। उसके अलावा जो वहाँ पर जो बोन्स हैं, वो भी बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स की मिली। इसका मतलब है कि वो डोमेस्टिकेशन करते थे, यानी कि उनको पालतू बनाते थे। टुवर्ड ए सेटल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउस ऑफ सम साइट्स। फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज होम, जो भी अभी हमने साइट देखी थी हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर, प्रेजेंट डे कश्मीर, पीपल बिल्ड पिट हाउसेस वेयर विच वर डग इन टू द ग्राउंड्स विद अ स्टीप लीडिंग इन टू देम्स। दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन द कोल्ड वेदर्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoor. इसके बाद है जो हमने जो एक साइट देखी आर्कियोलॉजिस्ट ने, वो पाई है कि वो अपने हाउस जो बनाते हैं, तो छोटे छोटे घर की बात कर सकते हैं, झोपड़ी वगैरह की बात करते हैं। तो हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा है बुर्जमोहन का, बुर्जहोम जो कश्मीर के अंदर आपको प्रेजेंट डे में देखने को मिलेगा, तो वो एक पिट हाउस के रूप में बनाते थे। इसका मतलब क्या कि वो जो घर है वो अंडरग्राउंड करते थे, नीचे की तरफ खोदते थे। तो जैसे नीचे की तरफ बनाया जा रहा था, मोस्टली क्या जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, आप सभी को पता, तो वहाँ पर हम मानते हैं कि भी जो गर्मी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो उसमें क्या है कि जो हम कह सकते हैं कि जो कोल्ड वेदर के कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि भी जो कश्मीर है कोल्ड वेदर है, तो उस कोल्ड वेदर से बचने के लिए क्या हुआ, अंडरग्राउंड से इस प्रकार के जो घर बनाते थे भी। उसके बाद है कि उनके जो है कुकिंग का जो कार्य है, उनके लिए जो चूल्हे वगैरह की हम बात कर सकते हैं जो वो बनाते थे, तो वो वेदर के ऊपर डिपेंड करते थे। ज़्यादा सर्दी है तो वो क्या है इंडोर करते थे, या फिर क्या है अगर सर्दी ज़्यादा नहीं है तो उनको वो बाहर अपना खाना पकाते थे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल एज
many of these are different from the earlier paleolithical tools and that is why they are called neolithic. उसके बाद कुछ जो स्टोन्स हैं, वैसे तो पूरे के पूरे क्या है कि ये सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर पाए गए हैं, जो स्टोन टूल्स थे, हथियार जो बनाए जाते थे पत्थरों से, ठीक है, और बहुत सारे हैं जो इसमें से जो पैलिथिकल एज के जो टूल्स थे उनसे जो पहले बनाए गए हैं, इसीलिए इसको क्या है न्यूलोथिक पीरियड कहा गया है या फिर इनको न्यूलोथिकल पीरियड के स्टोन कहा गया है, आप कह सकते हैं टूल्स भी कह सकते हैं इनको. डीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव द फाइन कटिंग एज and mortars and pestles used for grinding grains and other plants produce. उसके बाद यदि हम बात करते हैं, देखिए हम बात कर रहे थे कि जो है जो टूल्स थे जो इस समय पाए गए हैं वो काफ़ी क्या नुकीले होते थे और नुकीले होने की वजह से क्या है कि भाई इसमें आपको एक विशेषता देखने को मिलती थी कि इनके ऊपर पॉलिश की जाती थी इनको ज़्यादा नुकीला बनाने के लिए भी. उसके बाद जो बात इन्होंने की है मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर द ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस. उसके बाद जो है जो हमारे मुसल और ओखली जो आप लोगों ने देखा होगा दो है जिससे हम अनाज पीसते हैं, तो अनाज को पीसने के लिए जो इनका उपयोग किया जाता था. मोर्टार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर द ग्राइंडिंग ग्रेन्स एवन टूडे. और जो हमारे बात करें जो मुसल होता है हमारा मुसल और जो ओखली होती है आज भी हम उसका उपयोग किसके लिए करते हैं, अनाज पीसने के लिए करते हैं. जैसे हमारा बाजरा वगैरह होता है उसको हम जो खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसको कूटा जाता है पहले और उसके लिए क्या कि इसका उपयोग किया जाता है. तो सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर यानी कि कई साल हज़ारों साल पहले इनका आविष्कार किया गया था और आज भी ये उपयोग में लाई जा रही है. एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिकल टाइप्स ऑफ कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ स्टोन्स. इनके उस समय जो बनाए गए हथियार थे वो क्या है उस समय तो यूज किए जाते थे लेकिन आज भी वो लगातार हमारे यहाँ पर प्रेजेंट जो समय है उसमें भी हम उनको उपयोग कर रहे हैं. और बहुत कुछ हथियार ऐसे भी मिले हैं जो क्या हमारे जो हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों से मिलकर बने होते थे. मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पोर्ट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर द स्टोरिंग थिंग्स. पीपल बिगन यूजिंग पोर्ट्स फॉर कुकिंग फूड especially grain like rice, wheat and lentils, lentils that now become an important part of the diets. उसके बाद है कि भी जो हमारे यहाँ पर जो है मिट्टी के जो घड़े वगैरह भी बनाए जाते थे उस समय जिसमें जो प्रमुख जो कार्य होता था वो क्या था कि कोई भी जो grains थे इन grains को क्या उनमें उसके अंदर कूटा जाता था और ये आज भी हमारे जो है डाइट का जो है प्रमुख जो है आहार के रूप में हम इसको मानते हैं भी. Beside, they began weaving clothes using different kinds of materials. For example, cotton that could now be grown. उसके बाद है कि भी इसके साथ साथ क्या है कि वो क्लोथ को जो है वीविंग का कार्य करते थे क्लोथिंग का और अलग अलग प्रकार के मेटेरियल क्रिएट करके देख देते थे जो आज भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो उसमें से एग्जाम्पल जैसे कॉटन का उपयोग करें तो कॉटन उगाई जाती है जो आज भी हम उसको उगा रहे हैं भी. Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herded slowly over several thousand years. Beside, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons. उसके बाद यदि हम बात करें ये जो changes की बात कर रहे हैं ये सभी जगह एक समान नहीं रहे हैं. कहीं सोचे कि भी एक बार जैसे उन्होंने क्या है कृषि करना शुरू कर दिया तो सभी ने कृषि करना शुरू कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. कि कुछ एरियाज के अंदर जो मनुष्य थे या फिर जो है आप कह सकते हैं पुरुष और स्त्रियां थी वो भी क्या करते थे जो है गैदरिंग का कार्य करते थे या फिर जो हंटिंग वगैरह कार्य कर रहे थे. इसी समय क्या कुछ लोगों ने क्या फार्मिंग को अडॉप्ट कर लिया था, वहाँ पर हर्डिंग करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे. और जो हम बात कर रहे हैं कि भाई जो है लोगों ने शुरुआत की कि भी इनको जो इकट्ठा करने का भी प्रयत्न किया कि भी दोनों कार्यों को भी किया जा सकता है और ये जो कार्य हैं अलग अलग समय में जैसे कोई एक विशेष सीजन में कोई एक ही कार्य वो करते थे भी, ठीक है. तो हमारा जो मुख्य जो बात बताएगी कि उस समय के कुछ उजार ऐसे हैं जिनकी शुरुआत क्या कि भी उस समय हुई थी लेकिन आज भी हम उनको उपयोग कर रहे हैं. हमने ये जो बात की है बुर्ज होम के बारे में बात की है, हम जो दूसरी बात करेंगे मेहरगढ़ के बारे में बात करेंगे. तो दिस साइट्स is located in the fertile plains near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into the Iran. Mehrgarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in these areas. उसके बाद यदि हम बात करें जो साइट की हम बात करें मेहरगढ़ की, ठीक है, तो ये जो मेहरगढ़ साइट है ये फर्टाइल प्लेन के अंदर आपको देखने को मिलेगी. जो बोलन पास है इस
जो ईरान के रास्ते के क्या है सबसे प्रमुख रूट है। अभी यहाँ पर जो शुरुआती मनुष्य है कि भी हम जो बात करें कि जो बार्ले और वीट है उसके जो है अवश्य हैं यहाँ पर जो है माना गया कि यहाँ पर से बहुत समय पहले यहाँ पर जो बार्ले और वीट की खेती की जाती थी वो शीप्स को पालतू बनाते थे, गोट पालते थे, ठीक है। यहीं से क्या है कि वो माना गया कि भी इस एरिया से पहले शुरुआत हुई है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नाउ अबाउट, और इस प्राचीनतम जो गाँव में से एक है जिसको हम जानते हैं। एट दिस साइट्स मैन पी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग्स एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ द शिप्स एंड बोट्स आर फाउंड, और यहाँ पर बहुत सारी जो अलग अलग जो जानवर हैं उनकी जो बोन्स देखने को मिली हैं, जिसमें क्या है वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, जिसमें डियर पिग भी है, और इसके साथ जैसे शिप है बोट वगैरह उनके भी जो है बोन्स देखने को मिले हैं। अदर फाइंड्स एट द मेयरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेज, ईच हाउसेज हैड ए फोर और मोर कंपार्टमेंट सम ऑफ विच आर मेड हैव बीन यूज फॉर द स्टोरेज। उसके बाद है कि कुछ मेहरगढ़ के अंदर क्या है कि भी जो है स्क्वायर घर देखने को मिलेंगे, रेक्टेंगल की बात कर सकते हैं इसके अंदर आप, ठीक है, या तो पूरे के पूरे स्क्वायर थे चारों भुजाएं सेम, या आप साफ बात कर सकते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस प्रकार के घर भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि हम कह सकते हैं कि भी सभी के अंदर क्या है कि चार आपको कमरे देखने को मिलेंगे या कंपार्टमेंट आपको देखने को मिले हैं, और सभी में क्या है कि मान सकते हैं भी जो कुछ का उपयोग है स्टोरेज का कार्य के लिए किया जाता था, कुछ चीज़ों को वहाँ पर स्टोर किया जाता था। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज अ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट अर्थ। उसके बाद यहाँ पर एक जो बात देखने को मिलेगी, जो लोग थे यहाँ पर जैसे किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके रिलेटिव थे, उसके दोस्त थे, वो उसकी तरफ जो है उनके मतलब क्या है कि भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखते थे, और जो है लोग ये मानते थे कि भी जैसे कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसकी मृत्यु के बाद क्या है आगे फिर आपको एक और जीवन देखने को मिलेगा। ब्यूरल इज वन ऑफ सच अरेंजमेंट्स, सेवरल ब्यूरल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेयरगढ़। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज ब्यूरल्ड विद गोट्स विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज ए फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। उसके बाद है कि भी इस प्रकार से जो बहुत सारी जो है जो कब्रें होती थी, कब्रों में बहुत सारे अरेंजमेंट किए जाते थे, अलग अलग वस्तुएँ रखी गई हैं, कुछ जो है बहुत सारी हम बात कर सकते हैं कि भी कुछ ऐसी हमने कब्रें का उनके अंदर हमने बात की है कि कब्रें जो हैं उनका रिसर्च की गई है, उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया है, स्टडी किया है, और उनमें पाया गया कि बहुत सारे जो पर्सन थे उनके साथ जो है गोट्स को क्या है दफना दिया जाता था कब्रों के अंदर, और ये माना जाता था कि भी वो जो दबाई गई हैं ये जो गोट्स रखी गई हैं उनके लिए वो एक फूड के रूप में रखी गई हैं ताकि जो आगे आने वाला समय रहेगा उन आगे आने वाले समय में उनके काम आ जाए भाई। उसके बाद आपके पास ये छोटा सा है टॉपिक है, हम इसको भी पढ़ ही लेते हैं आज ही एल्सवेयर के बारे में। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, फ्रांस को आप अपने एटलस में देखें, यूरोपियन कंट्री, दी पेंटिंग बिलो इट फ्रॉम ए केव इन फ्रांस, ये जो फ्रांस की आपको सामने दिखाई गई है फ्रांस के अंदर ये साइट है। दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय द फोर स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स अगो, पेंटिंग लाइक द वर मेड बिटवीन ईयर्स अगो, मैनी ऑफ दीज वर एनिमल्स सच ए वाइल्ड हेल्स और चीज एंड ओल्डर वाइल्ड फॉर्म द कैटल बिजन्स बुली राइनो हॉर्स रेंडियर एंड डियर पेंटिंग इन द ब्राइट कलर्स। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताता, आपको पढ़ भी लेंगे आराम से कि चार चिल्ड्रंस थे उन्होंने इसकी खोज की थी 20,000 से 10,000 साल पहले की बात है, ये ही आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओचरे और आयरन ओर एंड चारकोल्स, इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनिकल ओकेजन और परहैप्स दे वर मेड फॉर अ स्पेशल रिटूअल परफॉर्म बाय द हंटर बिफोर दे वेंट टू स्केच सर्च इन सर्च फॉर प्रे। उसके बाद है कि भी जो ये कलर इसके अंदर यूज किए गए हैं इसमें क्या है मिनरल्स जो होते हैं उनका उपयोग किया, जैसे आयरन और है या चारकोल वगैरह का उपयोग किया गया। जो ये पेंटिंग है किसी भी एक विशेष उत्सव के अंदर ये जो है तैयार की गई है, और शायद हो सकती है जब वो हंटर होते थे एक विशेष सीजन के अंदर जब वो क्या है हंटिंग के कार्य के लिए जाते थे तो वो उनके लिए क्या प्रार्थनाओं के रूप में क्या है कि अब आपके लिए क्या है ये पेंटिंग वगैरह की गई है। एक और साइट है नियोलिथिकल साइट है, फाइंड टर्की न्यू रेटलस, टर्की को ढूंढे, यूरोपियन कंट्री की बात ही कर सकते हैं टर्की। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलोथिकल साइट्स कैटल ह्यूम वाज फाउंड इन टर्की, सेवरल थिंग्स वर ब्राउट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेज, फ्लिंट फ्रॉम रसेरिया, कवराइज फ्रॉम द रेड सी, सेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड यूज इन द सेटलमेंट्स। रिमेंबर देर वर नो कार्ट्स, मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक ऑफ द बैक एनिमल्स सच एज कैटल और बाय द पीपल्स। उसके बाद एक साइड देखने को मिले कैटल रूम्स, तो यहाँ पर बहुत सारा मेटेरियल है जैसे सीरिया से, रेड सी से, अलग अलग मेडिटेरियन से, अलग अलग क्षेत्र से जो
मटेरियल जो लेके एक स्थान पर लेके आया गया, और याद रखें कि उस समय सिर्फ और सिर्फ जो है अगर यदि बात करें ट्रांसपोर्टेशन का, तो मनुष्य किसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता था, वो एक जो है एनिमल्स का, एनिमल्स होते थे, इनका उपयोग करते थे, इतने डिस्टेंस से जो चीज़ों को वो लेके आते थे।